मैं हुमैरा नूर मोहम्मद मंसूरी, ये मेरे हस्बैंड नूर मोहम्मद मंसूरी, हम लोग बाई किला साकली स्ट्रीट पे रहते हैं। मोइन फिरोज उस्मान टिनवाला, उसकी बीवी अंबर पाटका उर्फ टिनवाला, ये लोग भी साथ मुंबई साउथ मुंबई में ही रहते हैं। इन लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान किया है और कहते हम लोगों को बहुत डरा धमका रहे हैं ये लोग। किस तरह से डराता था धमकाता था आपको? ये हम लोगों को कहते हैं ना, मेरे आदमी को मरवाने का बोलता था, मेरे बच्चों को ना रेप केस में और कहते केसेस में फंसवाने की बात करता था। ये हम लोगों को मेरे पूरे घर फैमिली को डराया है इसने इतना कि ना मेरे आदमी को दुकान जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, मैं मेरे बच्चों को नीचे नहीं, हमारे हम लोग को दहशत का माहौल बनाया हुआ है हमारे घर के अंदर इसने। कैसे दहशत का माहौल बनाया था इसने? व्हाट्सएप कॉलिंग करता था और वो दोनों कॉल्स करता था ये हम लोगों को। और ये ज्यादातर जैसे ना हमारी एक है डॉक्टर मरियम मिंगोड़ा, उनके घर पे बुला के वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बातें खुद भी करता था और मुझसे वो बातें बुलवाता था। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये पिछले 2-2.5 साल से हमारी रिकॉर्डिंग कर करके रख रहा था। उस रिकॉर्डिंगों में इसने एडिटिंग किया है, उस रिकॉर्डिंग में उसने एडिटिंग किया है और अपनी बातें को म्यूट किया है जो वो बोलता था, जिन जिन लेडियों के बारे में गंदा गंदा, उसकी खुद की पहली बीवी शायदा के बारे में गंदा गंदा बोलता था, वो सब उसने म्यूट करके रखा है। और जो मुझसे बुलवाया है उसने, वो भी मेरे बच्चों को और मेरे आदमी को मरवाने के की धमकियां दे देकर उसने ये सब चीजें रिकॉर्ड करा था। मुझे नहीं पता कि रिकॉर्ड कर रहा, मुझसे बुलवाता था। अब उसने ये चीजें वापस किस जगह पे ये चीज आपसे बुलवाता था और कौन सी जगह पे ये चीज ये वारदात हो रही थी रिकॉर्डिंग की? ये मुंबई में हो रही थी, साउथ मुंबई में, कहते डॉक्टर मरियम मिंगोड़ा के घर पे किया इसने, कुछ बातें मेरे घर पे किया है। और अब वो पहले मैं साकली स्ट्रीट पे के ऐसे गैलेक्सी में रहती थी। आप डॉक्टर हिंगोड़ा के घर पे क्यों गए थे? डॉक्टर हिंगोड़ा के घर पे हम लोग है ना उनके बुलाने पे गए थे डॉक्टर मरियम हिंगोड़ा के, क्योंकि ये वहां पर अपनी बीवी को लेकर आया था और हमको नहीं पता था कि ये वहां पर है। डॉक्टर मरियम ने हमको बोला कि मेरा मैं उनकी है ना उनके घर पे। आपको किसने बुलाया था? डॉक्टर मरियम ने बुलाया था क्योंकि वो मसीहा एनजीओ के है, प्रेसिडेंट है, मैं उनके साथ उनका वर्क करती थी, तो मैं करती थी, मैं इवेंट डायरेक्टर थी वहां पर, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं उनसे एक मोहब्बत रखती थी मगर मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं और मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, पता उन्होंने इस फिरोज मोइन उस्मान ने डॉक्टर मरियम की भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग किया, इसने मुंह से हमको बोला है, उसने बोला है तेरे इस बारे की जानकारी डॉक्टर मरियम को है क्या? इसका मुझे पता नहीं है क्योंकि डॉक्टर इसने मुझे ना बहुत सारी लेडीज के नाम लिया, डॉक्टर मरियम का, सना का बोला है और ये नूरी का और बहुत सारी और औरतों के नाम लिया है कि इन सब की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग ये है। उसने ये बात भी बोला है कि मैं पहला तेरे को इबरत बनाऊंगा, तेरे को दहशत बनाऊंगा और बाकी फिर इन लोगों को भी बनाऊंगा, मैं इन सब लोगों को भी बनाऊंगा। इन लोगों ने भी जो उसके घर पे जाते थे उनसे जो जो बातें किए उन सब की रिकॉर्डिंग इसके पास है। और ये हम लोगों को कहते परेशान बहुत कर रहा था पिछले कुछ महीनों से और ये बहुत अश्लील नजर मुझ पे रख रहा था और अश्लील बातें करता था। ये अपनी पहली बीवी शायदा के बारे में क्या इस चीज की शिकायत आपने कोई पुलिस स्टेशन में की थी? जी मैंने ना ये बहुत इसके बातें, मैं परेशान होने के बाद मेरी पूरी फैमिली बहुत 2-3 महीने परेशान हो रही थी इसके पीछे। और ये पिछले 2.5-3 सालों से हमारी रिकॉर्डिंग करके रखा था। तो मैं आगरी पाड़ा पुलिस स्टेशन में गई, वहां पर नितिन गायकवाड़ सर और उसकी 2.5 साल पहले आपने एक भी शिकायत दर्ज किया था इस मामले के बारे में? नहीं, मैंने 2.5 साल पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये बातें जैसे ये हमारी एक फ्रेंड है सना, उसके थ्रू हमारे घर पर आया था। नहीं तो, ये रिकॉर्डिंग का खुलासा कब हुआ कि आपको कब पता चला कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है? का खुलासा अभी 2.5-3 महीने पहले हुआ है कि क्योंकि ये अश्लील बातें कर रहा है और हुआ कि ये अपनी बीवी के नाम पे मेरे को लेके तोहमत लगा रहा है कि मैंने इसकी बीवी को बदनाम करी हूँ, इसकी बीवी के बारे में कुछ बोली हूँ, ठीक है। तो ये मुझे ना वो रिकॉर्डिंग भेजने लगा कि भाई मैं ना ये रिकॉर्डिंग मेरे आदमी को भेजने लगा कि मैं ये रिकॉर्डिंग वायरल करूंगा अगर तेरी बीवी ये चीज बात मानती नहीं है। तो इसने हमको कि मैं ना तुम्हारी ये ऑडियो वायरल करूंगा, अगर तुम चाहते हो कि ये ऑडियो वायरल ना करूं तो मेरे हस्बैंड को बोलता है तुम तुम्हारी बीवी को डिवोर्स दो, नहीं तो लाइव फेसबुक पे जाकर तुम्हारी बीवी को बहुत थप्पड़ मारो और उसको बदकार औरत बोल के छोड़ो। और कहते हैं ना उसने हमसे 50 लाख रुपीस की भी डिमांड करी और बोलता है मेरे इस 50 लाख की कोई सबूत है आपके पास? जी उसकी ना वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, लाइव फेसबुक पे जाने वाली भी वॉइस रिकॉर्डिंग है। और उसने बोला कि अंबर पाटका
उसकी अपना आप उससे हाथ पैर छोड़ के माफी मांगो। ऑडियो रिकॉर्डिंग है आपकी, वायरल नहीं करूंगा। हमने इस चीज को, ये अपनी बीवी शायद, इसकी पहली बीवी शायदा, उसके बारे में भी बहुत अश्लील अश्लील बातें करता था, बोलता था जिस तरह से मैंने शायदा को बदनाम किया है इस तरह मैं तेरे को भी बदनाम करूंगा। तो शायदा ने इसके खिलाफ बहुत कंप्लेने करी थी, तो कहते मैं हम लोगों को इस तरह डराया और मेरे आदमी को भी डराता था कि जिस मस्जिद में जाएगा वहां आके मारूंगा, तुम जिधर जाओगे मैं तेरी बीवी को रस्ते में मारूंगा। इस दर्द के मारे मैं मेरे हस्बैंड को दुकान भी नहीं बेचती थी, मेरे बच्चों को नीचे भी नहीं उतारती थी, और हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और इसने जिस पार्टी में ये है, समाजवादी पार्टी, उस नाम से भी मुझे बहुत डराया धमकाया कि मेरे कार्यकर्ता आके तेरे को रस्ते में तेरी इज्जत खराब करेंगे, तेरी गलते घर पे पहुंच जाएंगे और तेरे बच्चों को तुम लोग को इतना मारेंगे और कहते तुम लोग के हाथ पैर तोड़ डालेंगे। तो हम लोग बहुत डर के दहशत में बैठे हुए हैं घर के अंदर और बहुत तकलीफ में थे हम लोग। इसके इस मामले की शिकायत आपने को स्थानीय पुलिस स्टेशन में की थी क्या? जी मैंने कहते हैं ना अपने एरिया के आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में लिखित में कहते कंप्लेन दिया और वहां मैं गई, वहां के ऑफिसर कहते अपना नितिन गायका सर और उनकी टीम, उनकी लेडीज टीम, लेडीज महिला टीम ऑफिसर्स और उनके ना टीम ने मेरा बहुत कोऑपरेट किए, मेरा साथ दिए और उन्होंने मेरी कंप्लेन दर्ज किए और इन्वेस्टिगेशन करे और उनके उनके जो सीनियर सर हैं उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी और मेरी सुनवाई ली और मेरी सुनवाई सुन के उन्होंने मेरी हेल्प करके मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और इस तरह से मैं कहते FRI उन पे दर्ज हुई है। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों में कोई संदेश देना चाहते हैं? जी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं हिम्मत करके सामने आई हूँ इस तरह ये, क्योंकि इसने बहुत सारी लेडीज लोगों के घर तोड़वाया है और बहुत लेडीज और बहुत फैमिलियों को इसने परेशान किया है, तो मैं ये कहते संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग सब भी हिम्मत करके सामने आए, इसकी कोई बात ना माने, इसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मुंबई पुलिस है जो हमारा साथ कोऑपरेट करेगी। आप अपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दे, आप अपने पन्ना एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने कंप्लेन दे, वहां पे आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। जिस तरह मैं हिम्मत करके आगे आई हूँ आप लोग भी आगे आइए और इसको सजा दिलाइए।